हे यो, गुड मॉर्निंग शो गैंग, एंड कैसे हैं आप लोग? तो यार मतलब ओके, तो 2 वीक के स्ट्राइक के बाद हम वापस आ गए हैं और ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है। और पता नहीं एक और मोटो व्लॉग था जो हम डाल चुके होंगे या डालने वाले हैं, जो कि स्ट्राइक से हम पहले बनाए थे और हमें डालने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि वो स्ट्राइक लग गया था। कोई नहीं, होता है, हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी दिन आएगा। तो ऐसे जो स्ट्राइक में इतना मुझे सपोर्ट मिला यार, थैंक्स अ लॉट शो गैंगस्टर, जो इतना सपोर्ट किया हमको हर एक टाइम जो हमको आपकी ज़रूरत थी। आपका कमेंट्स पढ़ के भाई दिल खुश हो गया, सच बोले तो। इंस्टा पे भी लाइव जाते रहें, वैसे इंस्टाग्राम में जो फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉलो कर लीजिए भाई, खाली 12,600 सा फॉलोअर्स है इस गरीब के पास, फॉलो कर दो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप क्या चला रहे हैं यार, बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन फिर भी ब्रो यू आर डूडू। ओके, तो मतलब क्या बोलते हैं, हम बाइक जल्दी लेने वाले हैं, तो देखते हैं। आज मंडे है और पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, तो आज मंडे है और हम आज अगर बैंक से चेक आ जाए मेरा तो आज ही जाके बुक कर देंगे और बुकिंग का वीडियो बनाएंगे। लेकिन वही देखता, और चंपाकली भी मेरे साथ रहेगी और बाइक ले रहे हैं जो वो लुक में बहुत मस्त है। वाओ गड्ढा, मतलब थोड़ा स्पीड क्या कर लो गड्ढा ही मिल जाएगा। यहाँ गोल गोल क्यों घुमा रहा है ये इंडिका वाला? यार अभी भी मेरी चंपाकली जवान है, दम है मेरी चंपाकली में। अब पता नहीं उसका जो मर्द मतलब हस्बैंड आएगा उसमें इतना पावर रहेगा कि नहीं। ओह गॉड, दैट वाज क्लोज बाय द वे। और जो इसका आवाज है भाई, जो मेरी चंपाकली गुस्साती है और चिल्लाती है जब दर्द में नहीं, मतलब क्या बोलूं भी, तो इसके हस्बैंड मतलब मर्द में उतना आवाज रहेगा कि नहीं पता नहीं। हे व्हाट्स अप मैन, हेलो, व्हाट्स योर नेम? कुमार। हाँ कुमार, डू यू वॉच यूट्यूब? आई एम गोइंग टू क्लास। ओह, व्हिच कॉलेज? नो कॉलेज। ओह, अरे बाय। ओके बाय। ओह भाई सीन आगे बढ़ाओ भाई, तमाशा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आगे बढ़ाओ, चिच्चा का रोड नहीं है किसी का। ये बहुत व्हाट ट्रैश ब्रो, ये बहुत व्हाट डू डू। पता नहीं हमसे पूछे कि डू यू वॉच यूट्यूब, सोचे कि प्रमोट कर दें अपना चैनल, तो हम पूछे डू यू वॉच यूट्यूब, तो बोलता है आई एम गोइंग टू क्लास। ओके, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ हम दोनों के बीच में। लड़की पे चिल्लाते हो बस वाले, घुसा लो भैया घुसा लो, आप भी घुसा लीजिए मोहतरमा। लेकिन ना जी बस ड्राइवर, ना जी ब्रदर, ये ट्रैफिक हो गया भाई, घुसा लिया फिर भी SVS। आई थिंक आई सॉ किफायत, ही इज माई फ्रेंड, बट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक, आई जस्ट थिंक दैट ही इज किफायत। बहुत स्पीड में घुसा, बट आई थिंक ही इज किफायत, बट आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ही इज किफायत मे बी, बट आई थिंक ही इज किफायत।
पता नहीं पागल होगा। ओह माय गॉड पहली मतलब बहुत अच्छा रोड है यार, देख सकते हो ऑफ रोड कर रहा हूँ। यस मे बी इसकी आई थिंक इसकी फायर। ओह माय गॉड ये गड्ढा किसने खोदा। अरे फट 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 नो 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 आई डोंट थिंक ही इज किफायत एंड ही इज नॉट किफायत। ओह माय गॉड मम्मा मिया दैट वाज क्लोज। तभी कॉलेज जाते हैं और कॉलेज के बाद आप लोग से मिलते हैं फिर। अगर ये गड्ढा सब रुका तभी ना कॉलेज जाएंगे यार। मतलब हेलमेट के लिए इतना बोला था और ये गड्ढा किसने खोदा। अरे भाई ओह वाओ 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 यहाँ चेकिंग के लिए खड़ा है जस्ट गड्ढे के बाद। तो यार इतना मतलब हमारे हमारा फिक्र है तो गड्ढा खोदाओ। रोड टैक्स हम लोग भर रहे हैं दिन भर दिन, इतनी गाड़ियाँ आई जा रही है, रोड टैक्स सब लोग और ज़्यादा भरे जा रहे हैं, लेकिन रोड यही है इसीलिए हम लोग टैक्स भरते हैं। दिस रोड इज ट्रैश ब्रो, दिस रोड इज टू डू। ओके चलो कॉलेज जाके मिलते हैं। वाओ 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 तो भाई साहब मतलब पूरा ऑफ रोडिंग है यार, पूरा ऑफ रोडिंग। पेरेली रोसोटो का फ़ायदा नहीं, अगर न्यू बाइक ले हैं तो हम यहाँ लेके आने से रहें क्योंकि हम अपना गाड़ी ख़राब नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये सब छोड़ो वापस जाते हैं, अभी बैंक जाना है। बैंक में जाके देखना मेरा चेकबुक आया कि नहीं, अगर आया तो आज ही हम बुकिंग कर देंगे जाके, नहीं तो भाई कल तक वेट करना पड़ेगा। और जल्द ही वो होने वाला है क्या बोलते हैं कुछ बैंक बंद रहेगा, कुछ फेस्टिवल है शायद उसके लिए। बहुत सुस्त हो गया यार आज, मतलब क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ, इंडक्शन था तो फिर मतलब उसमें झाड़ी वाड़ी कट कराया गया हम लोगों से। चलो कॉलेज का काम तो आसान हो जा रहा बिना पैसे खर्च किए झाड़ी वाड़ी हम लोग से कट वाटे वे। तो चलो यार ओ सॉरी हमको लगा कि मिरर वाइजर है, सॉरी मेरे पास हमको लगा मिरर हाथ रखने का था अंदर को सच। भाई ग्रीन सिग्नल आ गया भाई साहब, तब से ग्रीन सिग्नल आया वो खड़े में ये हमारे जनाब। भाई साहब ये रोड इसकी मम्मी जो भी है तो देखो गड्ढा बीच बीच में गड्ढा। ओश व्हाट द हेल आए दिन रोड ठीक नहीं हो रहा और गंदा हो रहा है। ओ क्या जंप मारता है वाओ 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 भाई साहब बीच में घाटी आ जाती है रोड के बीच में आजकल गॉड। वैसे में और स्पीड चलाते हैं तो भाई छाटे जाते हैं हम। बीच में गटर आ गया, पॉटहोल्स आ गया, रोड टैक्स लो भाई और दो, हम लोगों को स्ट्राइक लगाना चाहिए। रोड टैक्स नहीं देना चाहिए अगर ऐसे ही रोड रहा। रोड बनाओ यार, बाप रे बाप गड्ढा। बहुत अच्छा अच्छा खाई घाटी आ जाती रोड में। दो ये है हमारे इंडिया का प्यारा प्यारा क्यूट सा पॉटहोल्स एंड रोड। खाली नाइस रोड पे ध्यान देते हैं ये लोग क्योंकि नाइस रोड में तो पैसा लगता है, नाइस रोड में पैसे लोग देते हैं इसलिए नाइस रोड अच्छे से रहता है। और लास्ट टाइम जो नाइस रोड में गए थे उसमें भी गड्ढे आ गए थे। अगर नाइस रोड अच्छा नहीं रहेगा तो लोग उसमें जाएंगे नहीं और पैसा मिलेगा नहीं लोगों को, तो इसलिए ना इस रोड को अच्छा किया है। और ये बाकी ये सब रोड है जो है भाड़ में जाए आदमी लोग मरे गड्ढे में आके, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। बस हेलमेट का लेना है यार, हेलमेट नहीं पहनना तो पैसा दो फाइन भरो। और ये जो गड्ढा है इतना बड़ा खाई सब है वो सब कुछ नहीं। देखो ऑफ रोडिंग तो गड्ढा
ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हो आप? ये पूरा रोड बनाना छोड़ो, गधे बच्चे हैं सबके सब। रोड टैक्स भरो यार सब लोग, और यही सब रोड के लिए रोड टैक्स भरते हैं हम लोग, कि हम लोग को ऐसा गड्ढा, प्यारा प्यारा गड्ढा मिले, इसलिए हम लोग रोड टैक्स भरते हैं कि क्यूट सा प्यारा प्यारा गड्ढा में गिरे, गिर के सिर हाथ फटे, पीछे से गाड़ी चढ़ा दे, आदमी मर जाए, इसलिए रोड टैक्स भर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम गाड़ी बुक करो तो भाई उसका टैक्स पहले ही से लेगा, रोड टैक्स है ना, गाड़ी बुक करो तो रोड टैक्स लो और भरते रहो बस ये गड्ढे के लिए। कब आएगी अकल ये लोगों, सारे के सारे पैसा खा रहे हैं, बड़े नेता से लेके छोटे नेता या जो भी रोड के रोड का जो भी कर रहे हैं, सबके सब पैसा खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गड्ढे के लिए। और यहाँ इतना ट्रैफिक एरिया में मेट्रो बन रहा है और ट्रैफिक लगेगा यहाँ पे पहले ही से लगता है, वो भी ये जब काम शुरू होने से पहले। ये जो रोड है जो दो डिवाइड कर दियो आप लोग, ये हटा देना चाहिए था ये स्टार्ट करने से पहले, ताकि इतना ट्रैफिक ना लगे। लेकिन नहीं भाई, इन लोगों को तो रोड से मतलब नहीं भाई, बस मेट्रो बन जाए उसमें भी तो कमाई होगा ही, पैसा मिलेगा ही मेट्रो के वजह से, सब पैसे के ऊपर जा रहे हैं। ये क्लीन करता, पूरा हटाता, रोड बनाता अच्छा, तब जाके स्टार्ट करता कि हाँ इन लोग के लिए भी जगह रहता घुसने का। अभी आज कम है ट्रैफिक, लेकिन हम यहाँ से गुजरते हैं ना तो, और मेरे आगे के वीडियो में भी आपको दिखेगा ट्रैफिक ही है सारे के सारे इडियट्स। और स्पीड ब्रेकर का हालत देखो यार, देखो तो यहाँ तक ऐसा है, रोड पे गड्ढा समझ में आता है, स्पीड ब्रेकर पे भी गड्ढा है यहाँ तो। मतलब आदमियों के मुंह में पिंपल आया था, पिंपल साफ होने बाद दाग रहा था ना, वैसा रोड हो गया है आजकल का। कम ऑन यार, अकल कब आएगी। अब ड्राइवर शुरू होने से पहले भी गड्ढा, हाँ भाई यही एक्सपेक्ट किया था। As always, ठीक है यार, यही था वीडियो। और वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते 1500 लाइक्स का, तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब करो यार। एंड दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ शो गैंग, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट्स एवरी डे ब्रो। एंड दोज हु आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बिकॉज मेरी चंपा का एक और फॉलोअर्स है यार। तो ठीक है, चलते हैं, हैव अ गुड डे बॉयज़।